हेलो बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। तो अभी तक रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया, फिर स्फेरिकल मिरर बताया, फिर मिरर्स फॉर्मूला सिखाया, फिर न्यूमेरिकल किए हमने मिरर्स फॉर्मूला पे, फिर मैग्निफिकेशन सीखा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम मिरर्स का कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं कि एक कॉनकेव मिरर ले लिया, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया और उसके बाद देखा कि फाइनल इमेज कहां बन रही। एक प्लेन मिरर ले लिया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, अब देखेंगे फाइनल इमेज कहां बन रही। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर देखेंगे। हाँ, इसके लिए आपको मिरर्स फॉर्मूला बढ़िया से आना चाहिए और आपको मिरर्स फॉर्मूला का बेसिक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये सब पता होना चाहिए, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख के यहां आना। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको तीन बढ़िया सवाल कराएंगे और आप तैयार हो जाओगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के लिए। तो भाई जल्दी से नोट्स निकालो, पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आ जाओ भाई, चाहो तो हेडिंग लगा लो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। फिजिक्स की कहानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से होते होते कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स तक हम पहुंच गए आज। देखो, सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं, यहां पे बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हमने यहां पे एक प्लेन मिरर लिया, एक प्लेन मिरर, ये एक जमाने में आपने ये पढ़ा था, आपको याद हो तो, प्लेन मिरर। और हमने यहां पे एक कॉनकेव मिरर भी ले लिया। वाओ सर, चिटचू मिरर, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इन दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 50। यहां पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा ओ, ओ इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर है और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसको हम बोल देते हैं मिरर M1, हम इसको बोल देते हैं मिरर M2। ओ से निकलकर रेस किधर जाएगी, M1 पे भी जा सकती है, M2 पे भी जा सकती है। तो सवाल में बताया रहेगा, देखो जरा सवाल क्या है, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ओ आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। देखो खुद ही बता दिया कितना रिफ्लेक्शन, कितना, टू रिफ्लेक्शंस। Assuming first reflection is from M1, sir, it's M1, हाँ भाई M1, ठीक है। तो पहला reflection M1 से होगा और दूसरा M2 से होगा, ये इन्होंने दे रखा है। हो सकता है ये कहते पहला M2 से होगा, दूसरा M1 से, ये बताना पड़ेगा क्योंकि यहां से रेज इधर भी जा सकती है और इधर भी। और कौन सी इमेज निकालनी है, आफ्टर टू reflections वाली। चलो एक हम करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो पहले कहां रिफ्लेक्शन कराना है, M1 से, तो O से रेस को उठाएंगे और M1 तक लेकर जाएंगे, खटाक, इधर से भी खटाक। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज M1 कहां पे बनाएगा, कैसे पता चलेगा, ऐसे है ना, झाड़फूक से, तंत्र मंत्र पढ़ के नहीं, मेरा फॉर्मूला से। अब मेरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, चलो मिरर्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो भाई M1 कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो F की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, भले इन्होंने बताया नहीं है। यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन किसका लेते हैं, इंसिडेंट रे का। ये सब बेसिक चीजें आपको आती है, मान के चल रहे कि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसा हो गया हमारा अभी थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको पता है कॉनकेव का फोकल पॉइंट कहीं यहां पे होगा, तो फोकल लेंथ ऐसे आएगी, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में ये होगी फोकल लेंथ, पॉजिटिव के अपोजिट। अरे यार पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होता है, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और फोकल लेंथ उसके अपोजिट। कॉनकेव की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, ठीक है। तो सबको पता है, बार ऑटो वाले भैया को ही पता है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, मेरे ख्याल से माइनस, क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, पोल से किधर जा रहे हैं, पीछे। देखो ना पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होता है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाला। और आप ऑब्जेक्ट पोल से किधर जा रहे हो, पीछे, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से, तो पीछे जा रहे हैं, तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर।
अब हमको V निकालना है, इमेज कहां बन रही है, ठीक है। अब जो यहां पे पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U, है F की जगह ये रख दो, U की जगह ये रख दो, V आ जाएगा। और जो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा वो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, वो लगाएगा UF upon U minus F, सीधा शॉर्टकट, V को सब्जेक्ट बना लो इस फॉर्मूले का, ये आ जाएगा UF upon U minus F, U की वैल्यू बोलो minus 30 multiplied by minus 20 divided by, U कितना है minus 30 minus, F कितना है minus 20, तो minus minus plus, यहां से V की वैल्यू कितनी आ रही, बोलो सही कर रहे हैं, UF upon U minus F, इसी का शॉर्टकट, V को सब्जेक्ट बना लिया, U की जगह minus 30, F की जगह minus 20, U के minus 30, फिर minus minus plus, तो ऊपर minus minus plus हो गया, 3 दुने 6, 6 साओ, माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10, ये 0 0 मर जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर, इमेज कहां बन रही, माइनस 60 सेंटीमीटर, ये इमेज कहां बना रहा, माइनस 60 सेंटीमीटर पे, माइनस 60 सेंटीमीटर, ये माइनस का मतलब देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है अभी इस मिरर के लिए, हर मिरर के लिए अलग-अलग होगा, इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इमेज कहां बन रही 60 सेंटीमीटर, वो भी माइनस, और कहां से मेजर करते हैं डिस्टेंस, पोल से, तो पोल से माइनस डायरेक्शन में कितना दूर चलो 60, ये हुआ 30, ये 20, 10 और यहां पे आ जाओ, मान लो ये बनी इमेज आ, ये मिरर यहां पे इमेज बना रहा, क्यों इधर क्यों बनी उस तरफ क्यों नहीं, क्योंकि देखो माइनस आया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, हम पोल से किधर चले नेगेटिव डायरेक्शन में, रे डायग्राम भी आप बना सकते हो, देखो ये इंसिडेंट रे गई है और ये इंसिडेंट रे इसके तरफ आना चाहेगी, तो यहां से इसको जॉइन कर दो, टक 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 टिंग, ये इधर से भी टक 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 टिंग, छि 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 छि, फिर से टक 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 टिंग, ये रेज गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, कहां पे मिलना चाह रही हैं, आई पे मिलना चाह रही हैं, तो फाइनल इमेज या भी पहली इमेज कहां पे बनी, एट कितना रिफ्लेक्शन हुआ भैया, एक रिफ्लेक्शन हुआ, ये हमसे कितना मांग रहे हैं, दो रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन कहां होगा, ये है देखो सेकंड रिफ्लेक्शन, ये रेज यहां पे लड़ेगी और इससे रिफ्लेक्ट होगी, अब जब दूसरा रिफ्लेक्शन होगा तो m2 को क्या लगेगा, रेज कहां से आ रही, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक रिफ्लेक्शन हो गया, इमेज यहां बननी चाहती थी पर इनसे बोला कि दो रिफ्लेक्शन, अब जब दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा, M2 ने इनसे पूछा तुम कहां से आ रही हो, तो ये तो डाइवर्जेंट रे है, कहीं मिली नहीं रही, देखो इसको लग ही नहीं रहा कहीं से आ रही है, इसको लगेगा ये I से आ रही है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई, इसको लगेगा रेज ऐसे आ रही है, उस तरफ रेज जाके कहीं मिल रही है, रेज मिल ही नहीं, तो उसको ऑब्जेक्ट समझ ही नहीं आ, उसने कहा पीछे ये ऑब्जेक्ट है क्या, यानी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2, इस प्लेन मिरर को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, बोला है दो रिफ्लेक्शन के बाद, एक रिफ्लेक्शन ये एक ही है, तो इसको ये वाली चीज यहां से आती हुई दिख रही, कहां मिली कहां मिली, कहीं नहीं मिल रही, इसने कहा पीछे मिल रही क्या, हाँ, यानी ये इमेज इसके लिए कैसे एक्ट कर रही, ऑब्जेक्ट की तरह, ये इमेज इससे कितनी दूर है बोलो, मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस है 60, 30 20 50 10 60, अब भाई प्लेन मिरर की कहानी बड़ी साफ है, क्या ऑब्जेक्ट जितना आगे इमेज उतनी पीछे, इसके लिए इमेज का डिस्टेंस कितनी दूर है 10, या ऑब्जेक्ट इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट 10, तो ये इमेज कहां बना देगा, इस तरफ 10 पे, प्लेन मिरर की कहानी सबको पता होगी ना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर, तो ये फाइनल इमेज इस तरफ यहां बना देगा, इसको हम बोलते हैं आई डैश, कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर, सर फील नहीं आया, ए पीछे से रेस कहां रिफ्लेक्ट होती है, सर इधर से तो मिरर पॉलिश्ड है, पूछना चाहिए भाई ये सवाल आपको, इधर से तो मिरर पॉलिश्ड है, पूछे थे सर आप सुने कहां, तो उधर से कैसे हुआ यार, एक्चुअल में ना यही रेज है जो इमेज बनानी है, डेफिनेटली इधर से कोई रेज आ नहीं रही, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा लग रहा है कि रेज यहां से आ रही है, अब देखो ये रेज आई यहां से रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं, यहां पे अगर तुम नॉर्मल बनाओ ऐसे बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहां पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखो रेज यहां पे, यहां पे नॉर्मल बनाओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो रेज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब समझ में, एक्चुअल में यही रेज है जो रिफ्लेक्ट हो रही, पर इसको लग रहा कि ये रेज यहां से आ रही,
तो इसके लिए क्या बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट. कितनी पीछे था 10, इमेज कितनी आ गई 10. सो फाइनल इमेज एट 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ M2 के राइट में 10 सेंटीमीटर. समझ में आया खेल कैसे खेलना है? पहले एक मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ या जैसे भी इमेज बनाओ, फिर वो इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट. लिख लो ये बात, द इमेज फ्रॉम फर्स्ट मिरर एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर. यही कहानी आगे लेंसेज में भी करनी है जब दो दो लेंस आएंगे. पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट. छाप ले इसको, सेकंड सवाल पे आते हैं. ये तो बड़ा आसान था. आ गया, रे डायग्राम क्लियर है? ये रेज गई, यहां से इधर जाके कन्वर्ज होना चाहती थी, यहां पे मिलना चाहती थी, इमेज यहां बनना चाहते थे 60 सेंटीमीटर पे, पर इसके बियॉन्ड रेज जा नहीं सकती, रिफ्लेक्ट हुई. अब इसको क्या लगा है रेज कहां से आ रही, यहां से 10 सेंटीमीटर से आ रही थी, तो इसने 10 सेंटीमीटर पे इमेज बना दी. प्लेन मिरर का कांसेप्ट पता है, इमेज उतनी दूर जितनी दूर ऑब्जेक्ट ऑन दी अपोजिट साइड. चलिए चलते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ. एकदम सेम यही कंसेप्ट लगाना है. क्या बोल रहे हो, दूसरा सवाल खुद से करोगे? बोला तो तुमने अभी. हाँ बोला. चलो करके दिखा दो. सवाल नंबर दो. अब क्या करें? एक ले लेते हैं कौन के मिरर, डिंग 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 डिंग. एक ले लिया कौन के मिरर, ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, ये इसका पोल. और एक लेंगे कॉन्वेक्स मिरर, खूबसूरत कॉम्बिनेशन. दोनों का पोल ऑन द सेम एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है? दोनों का पोल ऑन द सेम एक्सिस. ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर. इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं पहले M1, इसको बोल देते हैं M2. कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ मान लो दी है 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव की फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर. मजा आ रहा है? हाँ सर. इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पे, ये ऑब्जेक्ट, इससे मान लो दूर है 20 सेंटीमीटर और इससे मान लो दूर है 30 सेंटीमीटर. यार ये तो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको करने का तरीका आना चाहिए. सवाल वही है, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ अ After two reflections, assuming first reflection is from M. Pause करके इसको crack करो. Assuming first reflection is from M1. यहां से रेस पहले कहां गई M1 के पास, ये एक रे गई, एक ये गई, कहां गई पहले M1 पे. पहले इसके लिए इमेज बनाओ, वो इमेज इसके लिए क्या बन जाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ट्राई करो, गलती होगी इसमें, ट्राई तो करो. दोनों के लिए साइन कन्वेंशन चेंज होंगे, बताते हैं. मतलब साइन कन्वेंशन नहीं, पॉजिटिव साइन का डायरेक्शन चेंज होगा. आओ देखते करें हम, ट्राई कर लिया, पॉज कर ट्राई कर लो. फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, आओ फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, M1 के लिए देखते हैं. M1 कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ हो गई प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कैसा मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव. देखो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है? इंसिडेंट रे इधर जा रही है, मतलब ये डायरेक्शन कैसा हो गया पॉजिटिव इस मिरर के लिए. और आपको पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कहीं, मतलब फोकस कहीं यहां पड़ेगा और ये होगी उसकी फोकल लेंथ. भाई कॉन्वेक्स का देखो स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा, फोकस इधर, ये फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो फोकल लेंथ आ रही. सर पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, इंसिडेंट रे से. इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन. सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से. फोकस इसका इस तरफ पड़ता है, भाई इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा तो फोकस इस तरफ. हाँ,
तो इसका फोकस इधर, तो ये फोकल लेंथ कैसी हो गई, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, ऐसे याद रख सकते हैं। अब यू की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर पोल से, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट रे का, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको पीछे चलना पड़ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 20 सेंटीमीटर, बोलो भाई, भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट पोल से पीछे पड़ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन। अब हम निकालेंगे v, कैसे निकालेंगे, 1/f is equals to 1/v plus 1/u, नहीं ये नहीं करोगे अब, स्मार्ट हो गए, u है पापन, u minus f, क्या बात है, आओ, तो u की वैल्यू कितनी है, minus 20, f की वैल्यू कितनी है, plus 20, नीचे क्या लिखोगे, u minus f, बोले ये आएगा, minus 20, minus 20, कितना हो गया, v is equals to minus plus हो जाता है, minus 2, 2, 4, 0, 0 लगा दो, minus minus, minus 40 हो गया, बोलो सही कर रहे हैं, b 2 2 जा 4 0 0 minus, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 माइनस माइनस मर जाएगा, जीरो से जीरो मर जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। तो पहली इमेज जो ये बना रहा, कहां पे बना रहा, प्लस 10 सेंटीमीटर पे, यानी इसके पोल से 10 सेंटीमीटर पे पहली इमेज बन रही, किस डायरेक्शन में, मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन में, कि इधर भाई प्लस आ रहा है ना, मतलब किस डायरेक्शन में बन रही, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इमेज कहीं इधर बन रही है, यहां मान लो पहली इमेज बनी आई, कोई डाउट, ऐसा क्यों हुआ, v की वैल्यू कितनी आई, प्लस 10, यानी इमेज का डिस्टेंस कितना है 10, कहां से, पोल से, किस तरफ, पॉजिटिव, पॉजिटिव किधर है, इधर, हर मिरर का अपना अपना पॉजिटिव होता है डिपेंडिंग अपॉन इंसिडेंट रे, तो यहां पर बनेगी इमेज। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये रेज आई है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, तो कैसे, ए टक 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 इसको मिला दो, ये रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे, ए टक 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 ऐसे मिला दो, ये रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे, बोला आ गया, ये रेज यहां पे लड़ी, रिफ्लेक्ट होके गई, आगे कहीं मिल नहीं रही थी, तो पीछे इसकी इमेज बन गई। अच्छा, इसको थोड़ा बढ़ा लें, शुक्रिया 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 दर्द जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने, ये ठीक है, चलो यहां तक कहानी क्लियर हुई। अब जब इस मिरर पे आए, मिरर नंबर दो पे आएंगे, ये पहले इमेज तो है नहीं, इन्होंने कितने रिफ्लेक्शन बोले हैं, दो रिफ्लेक्शन, ये पहली इमेज इन्होंने बनाई, कहां बनाई, इस तरफ बनाई, ठीक है बढ़िया, यहां पे रेस गई, रिफ्लेक्ट हुई, पीछे यहां से आती हुई लग रही। अब इस मिरर को रेस कहां से आती हुई दिखेंगी, यहां से, इसको रेस कहां से आती दिख रही, यहां से, इसे लग रहा है रेस यहां से आ रही, कितनी दूरी से, 30, 20, 50, 10, 60 सेंटीमीटर दूर से आ रही, यानी आई विल एक्ट एज व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर यम टू, यम टू के लिए ये एक ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, एक्चुअल में तो है रेस, तो एक्चुअल में मिरर से आ रही, पर ये इमेजिन करेगा अपने दिमाग में मिरर कि रेस वहां से आ रही है जहां मिल रही है, इसे रेस यहां से आती हुई दिखी। अब आप इस मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ, इसको मिटा रहे, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, अब आ जाओ, अब समझो M2 के लिए इंसिडेंट रे ये हो जाएगी, है कि नहीं भाई, इसको तो रेज ऐसी आते हुए दिख रही है इंसिडेंट वाली, यानी M2 के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, हाय हाय मिरर चेंज हुआ तो साइन कन्वेंशन चेंज हुए, कन्वेंशन सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया पॉजिटिव का, इसके लिए ये इंसिडेंट रे, इसके लिए ये वाला टाइप जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है जिस डायरेक्शन में वही पॉजिटिव, इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया। चलो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10, कॉनकेव, कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ लिखो माइनस 10, यार कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, खैर समझ लो चाहो तो, ध्यान से देखो तो इसका फोकस कहीं यहां पड़ेगा, इसका स्फीयर ऐसे कंप्लीट हो, इसका फोकस कहीं यहां पड़ेगा इस तरफ, और पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, फोकस इधर पड़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, भाई पॉजिटिव ये है, फोकस उसके अपोजिट में तो नेगेटिव, चाहो तो याद कर लो कॉन्केव की फोकल लेंथ
नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। देखो ना इसका फोकस यहां, ये फोकल लेंथ होगी ऐसे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे, तो उसके अपोजिट। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहां पे डेफिनेटली कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, मेरे ख्याल से 60 सेंटीमीटर, 30 20 50 10 60, 60 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस, माइनस भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ये है और पोल से ऑब्जेक्ट देखो इस तरफ है, यही तो ऑब्जेक्ट बन गया, पोल से ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहे हो ना, और इसके लिए पॉजिटिव तो ये है, तो ये यू कितना हो गया -60। पोल से इस तरफ जाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। अब हमें निकालना है v, क्या लगाओगे सबको पता है, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, तो u की वैल्यू है -60, f की वैल्यू है -10, नीचे u -60 माइनस f की वैल्यू -10, तो ये हो जाएगा +10। बोलो सही है, -60 -10 हो गया +600 अपॉन -60 +10 -50, जीरो से जीरो मर गया, ये मेरे ख्याल से आएगा 5 12 60, -12 सेंटीमीटर। ये इमेज कहां पे बनाएगा, -12 सेंटीमीटर, किसका माइनस, इसका। इसके लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो माइनस मतलब इस तरफ, और इमेज का डिस्टेंस कहां से आया है, पोल से, यानी पोल से -12 सेंटीमीटर, यहां कहीं इमेज है, कहीं भी मान लो, यहां कहीं मान लो, पोल से नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है, पोल से देखो v कितना रहा -12, तो पोल से नेगेटिव में, इसके लिए पॉजिटिव ये था, ये बन गई फाइनल इमेज। रे डायग्राम देखना है, ये रेस गई यहां से लड़ी यहां पे आई, ये रेस गई यहां से लड़ी यहां से आई, ये बन गई फाइनल इमेज। रे डायग्राम कंप्लीट, ये यहां पे लड़ी रे, ये यहां पे लड़ी, दिस इज द फाइनल इमेज फाइव डैशबोर्ड। कोई पूछे फाइनल इमेज कहां बनी, फाइनल इमेज एट 12 सेंटीमीटर राइट ऑफ एम, आ गया है सर, अब तो आ गया, धुआं धुआं कर देंगे सवालों को हम, धुआं धुआं, बताओ सर कहां लड़ाई हुई है, लड़के लेके पहुंच जाएंगे, आओ अगले सवाल पे आओ। चलो इसको अगला सवाल कराते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर नहीं फंसेगा सवाल। अभी हल्के पुल के आ गए, अभी दो कॉन के होता कर लेते, क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले की इमेज क्या बन जाएगी दूसरे का ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट तो ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों के लिए अलग अलग पॉजिटिव डायरेक्शन होंगे, इसके लिए ये इंसिडेंट रे थी, इसके लिए ये, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव। तीसरा कॉन्सेप्ट ये याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव, क्या टफ है इसमें, कुछ छोना सर कुछ छोना, तो आओ दूसरा सवाल करूं, मिटा दें इसको। अरे दिल कहता है से मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी संदे, दिल दिल की बातें मत करो नौजवानों, बात मानो कभी किसी से न प्यार करना, नौजवानों बात मानो कभी किसी से न प्यार कर, बहुत ही हलवा सवाल दे रहा हूं आपको, ये एक कॉनकेव मिरर है, चलो बात करते हैं, ये एक कॉनकेव मिरर है, यहां पे इसका पोल, कभी किसी से न प्यार करना, यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, नौजवानो बात मानो, ये एक कॉन्वेक्स मिरर यहां पे, और खूबसूरत सा बना देते हैं ए ऐसे, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है यहां पे, इस बार दोनों का पोल सेम एक्सिस पे नहीं है, यही तो सवाल है, ये इसका पोल है, इसका पोल इसके पोल से 2 मिलीमीटर नीचे है, 2 मिलीमीटर नीचे, दिस इज आर मिरर, इसको बोल देते हैं चलो M1, इसको बोल दिया हमने M2, दिस इज कॉन्वेक्स दिस इज कॉनकेव, इसकी फोकल लेंथ हमको फिर से दे दी मान लो 20 सेंटीमीटर और इसकी फिर से मान लेते हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर हुआ, इस बार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं देंगे हम आप, इस बार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, इस बार आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देते हैं, मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, इससे फिर से 20 सेंटीमीटर पे और इससे फिर से 30 सेंटीमीटर पे, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, ये हेड ये टेल,
और ऑब्जेक्ट की लेंथ भी दी है 2 मिलीमीटर। सवाल सुनना, बहुत प्यारा सवाल बन रहा है। ये क्या है सर? इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0.0। कॉनकेव मिरर का जो पोल है उसका कोऑर्डिनेट 0.0 दिया है। हमसे कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट। हेड ऑफ ऑब्जेक्ट कौन है? ए। और ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी। इस पॉइंट की फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट बनाने हैं आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस अज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम एम। कहानी समझ लो, पहला रिफ्लेक्शन अमन से, मतलब पहले तो रेज ऐसे जा रही है, ठीक है, रेडाग्राम नहीं आपको, अब कहानी समझ में आ करना क्या होता है, पहले रेज ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, पहले इससे रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगी, फिर वो इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी, फिर फाइनल इमेज। पूछा क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट की ए की जो फाइनल इमेज बनेगी उसका कोऑर्डिनेट बताना है। अगर इस पोल का कोऑर्डिनेट 0.0, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ट्राई करो, अगर पोल का कोऑर्डिनेट 0.0 है, ट्राई करो यार एक सवाल, चलो। तो ऑप्शन है आपके पास -12 सेंटीमीटर कॉमा -5/3 मिलीमीटर, दूसरा है +12 सेंटीमीटर कॉमा +5/3 मिलीमीटर, तीसरा है +12 सेंटीमीटर कॉमा क्या ले लिया +3/5 मिलीमीटर, चौथा है -12 सेंटीमीटर कॉमा -3/5 मिलीमीटर। फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, पहले इमेज ये बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर अगली इमेज। ट्राई करो पॉज करके, ये सवाल ये ना डाला तो समझ लो आपकी ये टॉपिक एडवांस लेवल तक का आपका तैयार हो गया। पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट बच्चों, सच्चाई से बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख सितारे, बच्चे मन के बहुत झूठे। मैं कोचिंग पढ़ाया, मुझे पता है तुम्हारे मन में कितनी सच्चाई है। सब सोच रहे हैं आगे बढ़ाओ करो खुद से, मैं छोड़ दूंगा वीडियो यहीं पे, या कैसे बटन दबा के लाल बटन दबा के बंद सर वेबसाइट से नोट डाउनलोड कर लूंगा। अच्छा वेबसाइट www.physicswallah.com। अच्छा मैंने बहुत टाइम पर बात किया, चलो आ जाओ, कर लिया अब तक आपने। चलो फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम फॉर, या मैं घर से लिखूंगा, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, हट जाएंगे लिख के, परेशान ना हो। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, चलो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, इंसिडेंट रे आ रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, सो F हो गया +20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 20 सेंटीमीटर पीछे की तरफ, -20 सेंटीमीटर। अरे देखो ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से किधर है? पीछे की तरफ। अच्छा, हम v निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f, ये उसी से आया है, 1 by f इज इक्वल्स टू 1 by v प्लस 1 by u से। तो u की वैल्यू कितनी है? -20, f की वैल्यू कितनी है? +20, u की वैल्यू कितनी है? -20, -20, बोलो सही है। यहां से आपका v का वैल्यू कितना आएगा? -(-+1), ये माइनस आएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस, और नीचे -20, -20, -40, माइनस से माइनस मर जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, +10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहां बनेगी, बोलो कहीं यहां बनेगी कि नहीं? इससे कितनी दूर बनेगी भाई? 10 सेंटीमीटर पे, किस तरफ? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहां से देखना है? पोल से 10 सेंटीमीटर कहीं यहां इमेज बनेगी। पर एक मिनट, ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऐसे तो बनेगी नहीं, या हो सकता हो ऐसी बने या उल्टी बने। कॉन्वेक्स मिरर वैसे हमेशा सीधे से वर्चुअल इमेज बनाता है। छोड़ो यार, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं याद है हमें नहीं पता कॉन्वेक्स सीधी बनाता है उल्टी, हमें सर कुछ नहीं याद है। तो कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बच्चों, m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho,
is equals to minus v by u. ये सब आपको आना चाहिए आज के लेक्चर में. hi height of image, ho height of object. ये ऑब्जेक्ट है, यही तो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 मिलीमीटर. प्लस की माइनस. पोल से नीचे जो डिस्टेंस होते हैं वो माइनस, पोल से ऊपर जो डिस्टेंस वो प्लस. इसका पोल, उसके पोल से मतलब नहीं. तो इसके पोल से ये डिस्टेंस नीचे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 2 मिलीमीटर यहां पे चिपका दो. तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम. इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, हाइट सॉरी हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 2 मिलीमीटर. बोलो सही बोल रहे. ये ऑब्जेक्ट है पोल से नीचे, माइनस v. v कितना आया है? प्लस 10. और u कितना है? माइनस 20. बड़ा लोचा है, माइनस प्लस का ध्यान देना. सही है, माइनस v v की जगह 10 रखा और u कितना है? माइनस 20. सही. ये माइनस से माइनस बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, आएगा hi is equals to 2 by 2. कितना हो जाएगा? 2 by 2 होता है 1, माइनस 1 मिलीमीटर. अरे कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरह की इमेज बनाता था, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. दो से देखो एक हो गई इमेज की साइज छोटी. और कैसी है? माइनस 1 मिलीमीटर, यानी पोल से नीचे की तरफ ये बनी इमेज, थोड़ी छोटी. इसको बोला ए डैश बी डैश, साइज कितनी है? सर ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि माइनस लिख के आया इमेज के साथ. बाबा माइनस का मतलब पोल के नीचे बनेगा. क्लियर? ए डैश बी डैश कितनी दूर बना है पोल से? कितनी दूर बना है पोल से? 10 सेंटीमीटर. ये तो हुई पहले मिरर की कहानी. अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या बन गया, सॉरी ये इमेज इसके लिए क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अब यहां से रेस चलेंगी इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव. अरे एक्चुअल में तो ये जो रेस गई हैं ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगी. सोच रहे मेरा नीचे तक है, ये रेस ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएंगी. ये तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया m2 के लिए. m2 के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गया? 30 20 50 10 60. बार बार सेम वैल्यू आ रही है. एग्जाम्पल्स लिए मैंने ऐसे. बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रेस गई यहां से, लड़ी यहीं से, रिफ्लेक्ट हुई यहां पे आके इस पे लड़ेगी. इसको रेस कहां से आती हुई दिखेंगी? यहां से ए डैश से. ये लड़ी देखो ऐसा लग रहा कहां से आ रही? ए डैश से. तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर होगा. इसको बेटा दूसरे मिरर पे आते हैं, दूसरे मिरर पे आते हैं. बेटा लिया नोट कर लो. चलो मिरर, दूसरे मिरर फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2. M2 कैसे कैटेगरी का मिरर है? कॉनकेव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, चिपका दो -10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट कितनी दूर है इससे? 30 20 50 10 60. भाई ये इसके लिए कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज बोलो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2 के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है. ऐसे देखो रेज ऐसे आएगी लड़की, है ऐसे आ रही है तो पॉजिटिव है. तो U की वैल्यू कितनी हो गई? -60 सेंटीमीटर. पॉजिटिव इधर है, पोल से ऑब्जेक्ट इस तरफ. पोल से जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखोगे इसे जाना पड़ेगा, पॉजिटिव इधर है. अब हम V निकाल लेते हैं. V इज इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस. अच्छा किताबों में इसको V डैश बोलेगा, U डैश बोलेगा, समझ लो. क्योंकि पिछली बार UV ले चुके हैं, पहले रिफ्लेक्शन में आप UV वेरिएबल यूज कर चुके हो, तो किताब में इसको यू डैश वी डैश लेगा. ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा. यू कितना है? -60. एफ कितना है? -10. यू कितना है? -60. माइनस माइनस हो जाएगा +10. वी की वैल्यू कितनी आएगी? -माइनस +600. ये हो जाएगा -50. -60 +10, 0 0 कट गया, -12 सेंटीमीटर. यानी इससे इमेज कहां पे बनेगी? 12 सेंटीमीटर दूर बनेगी. किस डायरेक्शन में? नेगेटिव. इसके लिए नेगेटिव किधर है? इस तरफ. भाई इसके लिए इंसिडेंट रे ऐसे आ गई टुकू, ये इसके लिए क्या बन गई? टुकू बन गई. मतलब इंसिडेंट रे बन गई है कि नहीं? तो ये इंसिडेंट रे, ये पॉजिटिव, तो इसके लिए ये नेगेटिव हो गया. नेगेटिव कितना चलना है? 12. तो यहां से 12 सेंटीमीटर दूरी जाने पर ये 30 हो गया. यहां मान लेते हैं यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी जाने पर इमेज बनने वाली है. तो देखो सारे ऑप्शन में 12 12 तो था सर. कोऑर्डिनेट ये 0 0 है, इधर 12 चले
ठीक है, सब में 12 12 दिख रहा। अब आ रही बात कि ये ए डैश बनेगा कहां, यानी अब आ रही बात कि इमेज ऐसे बनेगी कि इमेज ऐसे बनेगी, प्लस 3/5 होगा कि माइनस 3/5, माइनस 5/3 होगा कि प्लस 5/3, समझे? अब ये भी एक बात है, समझे कि नहीं? 12 सेंटीमीटर में बनेगी किस डायरेक्शन में, माइनस 12, इस मिरर के हिसाब से ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव यहां पर। अब बात आ रही है कि ऊपर बनेगी कि नीचे, तो अब यूज कर लो भाई साहब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एच आई बराबर एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, ये इसको ऑब्जेक्ट दिखा, ऑब्जेक्ट यहां से कितना नीचे है, 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए 1 मिलीमीटर नहीं है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। नहीं समझे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब इस मिरर की बात करोगे किसकी, M2 की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर नहीं होगा, माइनस 1 भी नहीं होगा, गलत है, इससे नीचे तो है पर 1 नहीं, 2+1। ए डैश की बात हो रही है ना यहां, एक ही तो फाइनल इमेज चाहिए, तो एच ओ होगा -3 मिलीमीटर। बोलो भाई, ये होगा एच ओ पूरा, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। वेरी, यहां बच्चे गलती करते हैं, अच्छे से अच्छा बच्चा इसको -1 ले लेता, कहता पोल से नीचे है -1 है, यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता, एक्चुअली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल होता है, एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ही नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, असल में ये इमेज डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, ये जितनी भी चीजें सब पोल से होती है, यानी आपको ये 1 मिलीमीटर नहीं रखना, आपको पोल से देखना कितना दूर है, कितना, ये दो और ये एक, -3 मिलीमीटर, अब बस हो जाएगा। तो एच आई हमको पता नहीं, एच ओ हो गया -3 मिलीमीटर, माइनस बी की वैल्यू बोलो -12, इसमें गलती नहीं करना, यू की वैल्यू बोलो -60, जयराम जी की, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, 12 कम 12 12 5 60, एच आई की वैल्यू आई +3/5 मिलीमीटर, +3/5 मिलीमीटर, यानी यहां से ऊपर की तरफ इमेज बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, क्योंकि प्लस आया है, नेगेटिव आता तो नीचे की तरफ बनती, तो इसको बोल देते हैं ए डबल डैश, इसको बी डबल डैश, साइज कितनी है 3/5 मिलीमीटर। फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश, दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन माना है इन्होंने 0.0, यहां पे फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश यहां से कितनी दूर है 12 सेंटीमीटर और कितना ऊपर है 3/5 मिलीमीटर, तो कोऑर्डिनेट 12 सेंटीमीटर कॉमा 3/5 मिलीमीटर, देखो कहां पे है, इससे ज्यादा क्या पूछे, कॉन्सेप्ट लगाओगे क्वेश्चन हमेशा सही होगा, इसको कॉपी करें पॉज करके, चलिए पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।